एक मामूली मिडिल क्लास का लड़का जिसने अकेले सीक्रेटली एक ऐसी वेबसाइट बनाई जहां पे मिलते थे कई तरह के डेंजरस ड्रग्स, स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, गन्स, बॉम्ब्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और ऐसी बहुत सी इलीगल और डेंजरस चीजें। सिर्फ 2-3 साल में इस वेबसाइट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई की। इतने पैसे कई कंट्रीज के GDP से भी ज्यादा है। ऐसी वेबसाइट जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट के हजारों ऑफिसर्स इस लड़के को ढूंढ रहे थे। इस ट्रू क्राइम स्टोरी में है पेड मर्डर्स, हैकिंग, ड्रग्स, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, फ्रेंडशिप, बिट्रेयल और डेथ। ये है कहानी रॉस अल्बर्ट की। कॉलेज खत्म करने के बाद रॉस ने कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस किए थे, लेकिन उसमें से कोई भी बिजनेस ठीक से चला नहीं। उसको जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। एक बार रॉस अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया को कहता है कि उसे एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जहां पे सेलर्स और बायर्स अपनी आइडेंटिटी छुपा के कुछ भी खरीद और बेच सके बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, फिर चाहे वो चीज इलीगली क्यों ना हो। रॉस का मानना था कि कोई भी एडल्ट अपनी मर्जी से कुछ भी ट्रेड करना चाहे तो गवर्नमेंट को बीच में नहीं आना चाहिए। फिर जूलिया ने कहा कि अगर तुम ऐसी वेबसाइट क्रिएट करोगे तो पुलिस तुम्हें आसान से ट्रैक करके पकड़ लेगी। तो रॉस ने कहा कि मैं नॉर्मल इंटरनेट में ऐसी वेबसाइट नहीं बना सकता, लेकिन मैं इंटरनेट के एक हिडन पार्ट जहाँ पे सब कुछ छुपा रहता है वहाँ पे इस वेबसाइट को बनाऊंगा। फिर रॉस ने डार्क वेब पे जाने का डिसीजन लिया। तो सबसे पहले जल्दी से समझते हैं कि डार्क वेब क्या होता है। इंटरनेट में गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ऐसी कई सारी वेबसाइट्स है जिसको बेसिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन इंटरनेट का एक ऐसा हिडन पार्ट है जिसको बोला जाता है डार्क वेब। ये इंटरनेट का एक ऐसा मिस्टीरियस और डेंजरस पार्ट है जिसमें आप नॉर्मल क्रोम या सफारी जैसे ब्राउजर से नहीं जा सकते। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर का यूज करना पड़ता है। टॉर एक ऐसा ब्राउजर है जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को अनोनिमस बना देता है। मतलब जब आप इस ब्राउजर को यूज करते हो तब आपकी आइडेंटिटी हाइड हो जाती है। इसे ठीक से यूज करने से गवर्नमेंट और कोई भी दूसरे लोगों का आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए कई सारे क्रिमिनल्स, स्पाइस, जर्नलिस्ट, हैकर्स और ऐसे कई सारे लोग टॉर का यूज करते हैं डार्क वेब में अपनी इंटरेस्ट की एक्टिविटीज करने के लिए। कुछ लोग इस ब्राउजर को अच्छी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एक्टिविज्म अगेंस्ट ऑप्रेसिव गवर्नमेंट्स, और कुछ लोग बहुत ही खराब, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज और वेपन्स ट्रेडिंग। एक बार रॉस अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया को कहता है कि एंशिएंट टाइम्स में एशिया में एक बहुत ही बड़ा ट्रेड नेटवर्क था जिसका नाम था सिल्क रोड, और ये नाम मेरे वेबसाइट के लिए परफेक्ट होगा। लेकिन रॉस इस सिल्क रोड वेबसाइट के बारे में किसी को बता नहीं सकता, इसलिए उसको पूरी वेबसाइट का कोडिंग खुद ही करना पड़ता था। वो दिन रात जाके जब भी काम के बीच में टाइम मिले तब ये वेबसाइट बनाने लग जाता था। इस समय वो एक बुक स्टोर में काम करता था। फिर ऑलमोस्ट 1 साल के बाद वेबसाइट तो बन गई, लेकिन लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता कैसे चलेगा जिससे इसमें कस्टमर्स और सेलर्स आ सके, क्योंकि आप ऐसी वेबसाइट की पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट तो कर नहीं सकते वरना पकड़े जाएंगे। तो रॉस ने इंटरनेट के अलग अलग फोरम्स में जाके एनोनिमस फेक अकाउंट्स बना के कॉमेंट्स किए, ऐसे कॉमेंट्स जो देख के लोगों को लगे कि कोई रैंडम स्ट्रेंजर इस वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है। लेकिन वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट तो था नहीं, तो रॉस ने खुद एक खाली एरिया में वेयर हाउस खरीदा और वहाँ पे मैजिक मशरूम्स उगाना शुरू कर दिया और इन्हें अपने वेबसाइट में लिस्ट किया। फिर मशरूम रिलेटेड फोरम्स में अपने फेक अकाउंट से इसके बारे में पोस्ट किया। धीरे धीरे कुछ ऑर्डर्स भी मिलने लगे। रॉस अकेले ही इन मशरूम्स को वैक्यूम सील करके नॉर्मल प्रोडक्ट्स के बीच में छुपा के पोस्टल सर्विस की मदद से डिलीवर करने लगा। और सिल्क रोड में चीजें परचेस करने के लिए क्रेडिट कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट करेंसी का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट आसानी से ट्रैक कर सकती है, इसलिए वहाँ पे बिटकॉइन का यूज होता था। बिटकॉइन को सही से यूज करे तो उसको भी ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। साल 2011 चल रहा था और इस समय कुछ ही टैक्स सेवी लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता था। फिर जैसे ही सिल्क रोड की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, नए नए सेलर्स अपने इलीगल प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट करने लगे। हर सेल के ऊपर रॉस को 6-7% कमीशन मिलता था। सिर्फ कुछ ही महीनों में रॉस ने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा लिए थे। लेकिन धीरे धीरे सिल्क रोड पे लिस्ट होने वाले प्रोडक्ट्स और भी भयानक होने लगे। एक बार एक सेलर ने रॉस से पूछा, क्या मैं सिल्क रोड पे ह्यूमन ऑर्गन्स को लिस्ट कर सकता हूँ? सिल्क रोड पे ऐसे खौफनाक प्रोडक्ट्स को देख के जूलिया और रॉस के बीच में कई बार आर्ग्यूमेंट्स होती थी। जूलिया इस इमोरल और डेंजरस वेबसाइट के कारण बहुत वरिड थी, लेकिन रॉस उसकी हर आर्ग्यूमेंट को टाल देता था। एक बार आर्ग्यूमेंट के बीच जूलिया घर छोड़ के अपनी बेस्ट फ्रेंड एरिका के पास चली जाती है और उसको टेंशन में सिल्क रोड के बारे में सब कुछ बता देती है। कुछ दिन बाद जब रॉस अपना फेसबुक अकाउंट चेक करता है, एक कॉमेंट देख कर उसके एक पल के लिए धड़कन रुक जाती है। जूलिया की फ्रेंड एरिका ने एक पोस्ट में कमेंट किया था कि आई एम श्योर द अथॉरिटीज वुड लाइक टू नो अबाउट रॉस ड्रग वेबसाइट।
ये पढ़ के रॉस का पूरा शरीर डर से पैरालाइज हो गया। रॉस को जूलिया पे गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे इसने अपने फ्रेंड को सब बता दिया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने जल्दी से एरिका का कमेंट डिलीट कर दिया और रोते हुए एरिका को फोन करके बोला कि प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। अब ये मैटर बहुत बड़ा हो चुका था। जूलिया ने रॉस को कहा कि सिल्क रोड को शट डाउन कर दो या मुझे छोड़ के चले जाओ। रॉस जूलिया को छोड़ने का डिसीजन लेता है और इसके बाद बहुत ही पैरानॉइड हो जाता है। वो अमेरिका छोड़ के चला जाता है और ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है और वहां से एक के बाद एक एशिया के डिफरेंट कंट्रीज में टाइम स्पेंड करता है। मीनवाइल सिल्क रोड पे ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होने लगा और रॉस का प्रॉफिट भी आसमान छूने लगा। जब रॉस अपने लैपटॉप और बैकपैक के साथ इन कंट्रीज में घूम रहा था तब उसके आसपास वाले लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक डार्क वेब किंग पिन उनके बीच में घूम रहा है। क्योंकि रॉस अकेले इस वेबसाइट को चलाता था तो इसमें कई सारी परेशानियां होती थी। एक बार एक ग्लिच के कारण कुछ समय तक सिल्क रोड पे जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे उसमें रॉस को प्रॉफिट के बजाय उल्टा लॉस होने लगा और इस एरर को फिक्स करने के लिए उसे साइट को कुछ समय के लिए फ्रीज करना पड़ा। तो उसने सिल्क रोड के कुछ पुराने और एक्टिव मेंबर्स को हायर करना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ लोग कोडिंग में मदद करते थे, कुछ लोग मॉडरेशन में और कुछ लोग लिस्टिंग में। इस समय तक सिल्क रोड पे और भी अजीब और खतरनाक चीजें लिस्ट होने लगी थी, जैसे कि हैकिंग सॉफ्टवेयर्स, पॉइजन ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर्स भी। धीरे धीरे सिल्क रोड पे एक कम्युनिटी जैसे बनने लगी थी। रॉस और उसके इनर सर्कल के मेंबर्स पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल डिस्कशन भी करते थे और साइट के अंदर कई कॉम्पिटिशन होते थे जिसमें लोगों को प्राइजेस भी मिलते थे। इस दौरान रॉस एक वैरायटी जोन्स नाम के यूजर के साथ बहुत चैटिंग करने लगता है। वैरायटी जोन्स रॉस को कहता है कि वो अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन में एक एजेंट को जानता है और इस एजेंट की मदद से वो पैसों के बदले रॉस को इंटरनल इन्फॉर्मेशन देगा ताकि उसे गवर्नमेंट पकड़ ना पाए। लेकिन असल में वैरायटी जोन्स खुद ही एक अंडरकवर DEA एजेंट था। वैरायटी जोन्स का रियल नाम था कार्ल फोस। वो रॉस को झूठ बोल बोल के धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीतने लगता है। एक बार वो रॉस को कहता है कि तुम अपना नाम साइट पे एडमिन से चेंज करके कुछ और रख लो ताकि अगर तुम फ्यूचर में पकड़े जाओ तो तुम कह सकते हो कि मैं इस साइट का एडमिन नहीं हूँ। मल्टीपल लोग इस साइट को चलाते हैं, मैं तो सिल्क रोड का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। फिर रॉस सिल्क रोड के अंदर एडमिन से नाम बदल के ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स रख देता है, जो कि एक ओल्ड मूवी से इंस्पायर्ड था। इस समय सिल्क रोड को बने हुए एक साल हो चुका था। वेबसाइट में यूजर्स की गिनती भी बढ़ती जा रही थी। अब रॉस हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा था और कई आम लोग भी इस साइट को विजिट करने लगे थे। एक बार ऑस्ट्रेलिया में कुछ टीनेजर्स होटल में पार्टी कर रहे थे और उनमें से एक 16 साल के लड़के ने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स फॉलो करके सिल्क रोड से पिल्स ऑर्डर किए और उन्हें कंज्यूम करने के बाद वो पूरा होश खो बैठा, मैनिक स्टेट में भागने लगा, आसपास की पूरी दुनिया घूमने लगी और भागते भागते वो होटल की बालकनी से 30 फीट नीचे गिर के मर गया। इस समय तक दुनिया की कई सारी अथॉरिटीज सिल्क रोड का केस सॉल्व करने पे लगी थी। उनमें से सबसे पावरफुल थी अमेरिका की FBI। FBI एजेंट क्रिस टारबेल और उनकी टीम का मानना था कि सिल्क रोड के ओनर को पकड़ने के लिए टॉर नेटवर्क की कुछ वल्नरेबिलिटी ढूंढनी होगी। टॉर नेटवर्क को ओरिजिनली US नेवी ने बनाया था ताकि उनके लोग एनोनिमसली इंटरनेट का यूज कर सके और सिक्योरली कम्युनिकेट कर सके। फिर बाद में उन्होंने टॉर प्रोजेक्ट को पब्लिक कर दिया और इसके बाद से कोई भी टॉर ब्राउजर का यूज कर सकता है। इंटरनेट में बेसिकली हर डिवाइस का IP एड्रेस होता है जिससे उस डिवाइस की लोकेशन ट्रैक हो सकती है। तो अगर कोई अपने फोन या कंप्यूटर से इंटरनेट में कुछ करे तो अथॉरिटीज IP एड्रेस की मदद से उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है। लेकिन टॉर ब्राउजर को यूज करने से डेस्टिनेशन वेबसाइट में पहुंचने से पहले आपका IP एड्रेस एक दूसरे IP एड्रेस से कवर हो जाता है और फिर आपका कनेक्शन एक स्टेप आगे बढ़ता है और वहां पे एक IP एड्रेस इस एड्रेस को कवर कर लेता है और एक बार फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है। ऐसा करने से आपके रियल लोकेशन टॉर नेटवर्क के रैंडम पब्लिक लोकेशंस के पीछे छुप जाती है। इसलिए टॉर ब्राउजर को अनियन राउटर भी कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक अनियन जैसा बनता है। इसलिए FBI ने सिल्क रोड के ओनर को फाइंड करने के मिशन का नाम रखा ऑपरेशन अनियन पीलर। FBI एजेंट क्रिस टारबेल और उनकी टीम सिल्क रोड के साथ साथ 26 और भी डार्क वेब की वेबसाइट पे बारीकी से नजर रख रहे थे। एजेंट क्रिस की एक स्क्वाड न्यूयॉर्क की प्रीमियर साइबर सिक्योरिटी स्क्वाड थी। उन्होंने सबसे पहले इन वेबसाइट पे जो हैकिंग रिलेटेड सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर थे उन पे फोकस किया। FBI का कहना है कि उन्होंने सिल्क रोड वेबसाइट के एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके पता लगा लिया कि सिल्क रोड का मेन सर्वर आइसलैंड में था। लेकिन कई लोगों का मानना है कि FBI ने अमेरिका की NSA की मदद से एक क्लासिफाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल सॉफ्टवेयर की मदद से सिल्क रोड के सर्वर के लोकेशन को फाइंड किया था।
आइसलैंड में कई सारी वेबसाइट्स अपने सर्वर्स को रखती है क्योंकि आइसलैंड का टेम्परेचर बहुत कोल्ड रहता है, जो कि इन सर्वर्स को कूल रखने में मदद करता है। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स भी चीप है। इसके बाद सिल्क रोड के मेन सर्वर को ढूंढने के लिए FBI एजेंट्स की टीम आइसलैंड पहुँचती है। इस वक्त एक और भी एजेंट था अमेरिका के इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से, जो सिल्क रोड के केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम था गैरी अल्फ्रेड। उसके पास FBI जैसे एडवांस टूल्स नहीं थे और गैरी को डार्क वेब, टॉर या बिटकॉइन के बारे में भी ज्यादा पता नहीं था। लेकिन गैरी बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड था और वो अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की वजह से जाना जाता था। गैरी ने अपने इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत सिर्फ एक गूगल सर्च से करी। उसे पता लगाना था कि इंटरनेट में सबसे पहले कब और किसने सिल्क रोड को मेंशन किया, ताकि उससे गैरी को पहला क्लू मिल सके। थोड़ी देर बाद गैरी ने पता लगाया कि अर्ली 2011 में एक अल्टॉइड नाम के यूजर ने सिल्क रोड के बारे में कुछ फोरम्स में पोस्ट किया था। फिर गैरी ने इस अकाउंट की पोस्ट हिस्ट्री को देखा और पाया कि अल्टॉइड ने एक और भी पोस्ट किया था, जिसमें वो एक बिटकॉइन स्टार्टअप के लिए एम्प्लॉइज को सर्च कर रहा था और उस पोस्ट में कॉन्टैक्ट ईमेल दिया गया था rossalbert@gmail.com। जब गैरी ने अपने कलीग्स को इसके बारे में बताया तो उन्होंने गैरी के एविडेंस को टाल दिया और कहा कि सिर्फ सिल्क रोड के बारे में पहले पोस्ट करने का मतलब ये नहीं कि इसी ने सिल्क रोड को बनाया है। हमारे पास ऐसे बेकार के क्लूज में टाइम वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन गैरी ने इस क्लू को जाने नहीं दिया। उसने ईमेल पे लिखे हुए नाम रॉस अल्बर्ट पे सर्च किया और उसको रॉस के यूट्यूब चैनल मिली। चैनल के वीडियोस और प्लेलिस्ट को देखने के बाद गैरी को रॉस पे और भी ज्यादा शक होने लगा था। फिर गैरी ने अपने एक दोस्त को फोन लगाया जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में काम करता है और उससे रॉस की क्रिमिनल हिस्ट्री की फाइल मंगवाई। उसमें लिखा था कि एक बार रॉस डार्क वेब से फेक आइडेंटिटी कार्ड्स ऑर्डर करते हुए पकड़ा गया था और पुलिस इंटरोगेशन के वक्त रॉस ने कहा था कि कोई भी डार्क वेब में जाकर सिल्क रोड या ऐसी कोई भी वेबसाइट से फेक आईडी कार्ड्स खरीद सकता है। मीनवाइल सिल्क रोड की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती जा रही थी और सिल्क रोड के सेल्स बिलियंस ऑफ डॉलर से भी ज्यादा हो गए थे। रॉस का पूरा ध्यान सिल्क रोड को चलाने में लगा था, लेकिन रॉस के एक साइड मॉडरेटर कर्टिस को ड्रग रिलेटेड चार्जेस के कारण लोकल पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। लेकिन रॉस को ये सब पता नहीं चला। वो जब भी कर्टिस को मैसेज भेजता था तब उसे कोई रिप्लाई नहीं आता था और सिल्क रोड से $350,000 भी गायब थे। तो रॉस को लगा कि कर्टिस ये सारे पैसे चुरा के गायब हो गया है, पर रॉस को पता नहीं था कि असल में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ने कर्टिस के अरेस्ट के दौरान इन $350,000 को चुरा लिया था। रॉस को कर्टिस पे बहुत गुस्सा आया और कर्टिस को पनिश करने के लिए और बाकी कोई फ्यूचर में रॉस को बिट्रे ना करे, इसलिए रॉस ने अपने इनर सर्कल मेंबर्स के साथ बात करके कर्टिस को असासिनेट करने का डिसीजन लिया। इस इनर सर्कल में वैरायटी जोन्स भी शामिल था और जैसा कि आपको पता है कि वैरायटी जोन्स असल में अंडरकवर DEA एजेंट था, कार्ल फोस्ट नामक। उसने रॉस को बोला कि मैं कर्टिस को खत्म कर दूंगा और इसके लिए मुझे $40,000 असासिनेशन के पहले और $40,000 असासिनेशन के बाद देना। फिर रॉस ने इसको $40,000 भेज दिए। फिर वैरायटी जोन्स AKA कार्ल फोस्ट ने पुलिस स्टेशन जाके कर्टिस का एक फेक फोटो लिया, जिसमें देख के लगे कि इसने कर्टिस को मार दिया है, लेकिन असल में कर्टिस जिंदा था और पुलिस के अरेस्ट में था। फिर वैरायटी जोन्स ने रॉस को ये फेक पिक्चर भेजा और रॉस ने बाकी के $40,000 भेज दिए। इसी तरह रॉस ने 5-6 और भी लोगों को मारने के लिए सिल्क रोड के एक दूसरे मेंबर को भी पैसे दिए थे और वो भी एक स्कैमर था, जिसने ऐसे ही फेक फोटोज दिखा के रॉस से $800,000 लेके गायब हो गया। FBI ने आइसलैंड की अथॉरिटीज की मदद से सिल्क रोड का मेन सर्वर ढूंढा और उसका सारा डेटा कॉपी कर लिया, जिसमें रॉस और दूसरे सारे मेंबर्स की चैट हिस्ट्री भी थी। लेकिन सिल्क रोड में रॉस और सब दूसरे लोग अपना रियल नेम नहीं यूज करते थे, इसलिए FBI को अभी भी उनकी रियल आइडेंटिटी पता नहीं थी। लेकिन IRS एजेंट गैरी से बात करने के बाद सारे क्लूज ठीक से फिट हो गए और रॉस अल्बर्ट के ऊपर इशारा करने लगे। फिर जब गैरी ने रॉस का एड्रेस FBI को दिखाया, तब FBI को और भी ज्यादा यकीन हो गया कि यही सिल्क रोड का एडमिन होगा, क्योंकि रिसेंटली FBI ने इसी एड्रेस के पास के एक कैफे में सिल्क रोड के एडमिन के लोकेशन को ट्रैक किया था। लेकिन अगर FBI एजेंट्स रॉस के घर पे रेड करे तो उसका बंद इनक्रिप्टेड लैपटॉप खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है और वो विंडो से FBI एजेंट्स को देख के लैपटॉप डिस्ट्रॉय भी कर सकता था। इसलिए रॉस को रंगे हाथ जब उसका लैपटॉप चालू हो तब पकड़ना जरूरी था, वरना पूरा प्लान चौपट हो सकता था। फिर अंडरकवर FBI एजेंट्स ने रॉस को सीक्रेटली फॉलो करना शुरू कर दिया, ताकि वो उसकी एवरीडे पैटर्न्स को समझ के कब अटैक करना है वो डिसाइड कर सके। एक बार रॉस पास के एक लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ बैठकर लैपटॉप से सिल्क रोड में लॉग इन करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके आसपास के आधे लोग अंडरकवर FBI एजेंट्स हैं। फिर अचानक से इस क्वाइट लाइब्रेरी में
रॉस से थोड़े दूर बैठे हुए कपल झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। रॉस पीछे मुड़कर देखता है और आगे से तुरंत ही एक फीमेल एफबीआई एजेंट उसका लैपटॉप लेके भाग जाती है और बाकी के एजेंट्स रॉस को अरेस्ट कर लेते हैं। लाइब्रेरी में जो कपल झगड़ रहे थे वो भी अंडरकवर एफबीआई एजेंट्स थे। उन्होंने रॉस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये एक्ट किया था ताकि रॉस के पास बैठी हुई फीमेल अंडरकवर एजेंट उसका सिल्क रोड में लॉक्ड इन किया हुआ लैपटॉप छीन सके। अरेस्ट होने के बाद रॉस के लॉयर्स और कई सपोर्टर्स ने कम पनिशमेंट देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन जज ने कहा कि ऐसे डेंजरस ड्रग वेबसाइट के कारण अनगिनत लोगों का घर उजड़ गया होगा। वो रॉस का एग्जाम्पल बना के ऐसी कड़ी पनिशमेंट देना चाहती थी कि आगे कोई और क्रिमिनल रॉस के फुटस्टेप्स को फॉलो ना करे। फिर रॉस को 2 लाइफ सेंटेंसेस और 40 इयर्स की जेल की सजा मिलती है और जो दो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स थे उनको 6-6 साल की जेल की पनिशमेंट मिलती है। रॉस की कहानी में जितने भी पेड असैसिनेशंस थे वो सिर्फ रॉस को स्कैम करने के लिए हुए थे, लेकिन 2017 में दो लड़कियों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऐसा असैसिनेशन किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और मैं आपको वहीं मिलूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।